हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है इफ़ आई एम लाउड एंड क्लियर एंड ऑडिबल आप काइंडली कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप कर दीजिए येस yes. हेलो सत्यम गुड मॉर्निंग विशाल दास ये रेगुलर अपडेट बिल्कुल होगा आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें ना केवल ये रेगुलरली अपडेट होगा बल्कि आपको जो हम इन लेक्चर्स में पीपीटीज यूज करेंगे उनके भी पी जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो उसकी बिल्कुल भी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है <coughs> अगर मेरी आवाज ऑडिबल है तो एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए आप कि आई एम ऑडिबल ठीक है तो फिर हम start करते हैं जो आज का हम सेशन हमने प्लान किया है तो कुछ लोगों को ज्वाइन करने देते हैं लेट देम टेक द टाइम तो तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ कर लेते हैं आज ठीक है बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड ठीक है आपकी काफी सारा प्यार हमें द uh, हिंदू के एनालिसिस पे हमें इतना आपकी लव एफेक्शन और कॉन्फिडेंस मिला है दैट बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड आप लोगों के लिए ही वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस टू ठीक है अब सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा खास क्या है कि जिसका हम मतलब इसको पढ़ेंगे क्यों अगर हम द हिंदू पढ़ रहे हैं वाई शुड वी गो टू इंडियन एक्सप्रेस तो इसके जवाब में फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि

एक्सप्लेन का एक सेक्शन आता है आइडियाज पेज आते हैं और इनके कुछ एडिटोरियल्स भी हैं जो पिछले कुछ सालों से ग्रेजुअली एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ओरिएंट हुए हैं राइट सो बिकॉज ऑफ दैट वी फील दैट एडिटोरियल का अगर एनालिसिस आप करें ठीक है हिंदू आप पढ़ते रहें जो करंट अफेयर्स का आपने एक सिंगल सोर्स अगर कोई भी फिक्स कर रखा है अगर इंडियन एक्सप्रेस भी कर रखा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन लेकिन इसके एडिटोरियल और जो ये सेक्शन हैं इनके बीच में से कुछ रेलिवेंट चीजों को निकाल के यू शुड बी एबल टू पुट इट डाउन ऑन योर नोट्स वो आपके नोट्स की फॉर्म में सेव्ड uh, रहने चाहिए ठीक है चलो बढ़िया ऑडिबल भी है और uh, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है राइट तो आपके नोट्स में सेव रहना चाहिए ठीक है इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स की रेलिवेंट चीजें नाउ द थिंग इज कि अगर आप खुद से ये चीजें पढ़ेंगे तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबिलिटी कि ये या तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें करनी है दिन में देखो 24 घंटे होते हैं उन 24 घंटों में आपने अपना जर्नल स्टडीज प्रिपेयर करना है आपने ऑप्शनल uh, की तैयारी करनी है एस की प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग करनी है एथिक्स को पढ़ना है उसकी केस स्टडीज सॉल्व करनी है एम भी करने हैं बहुत से लोगों ने प्रिलियम्स के भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली होगी तो ट्वेंटी आवर्स इज अ वेरी लिमिटेड टाइम ठीक है तो इन 24 फोर आवर्स का जुडिशियस यूज हो एक ऑप्टिमम यूज हो सो उसके लिए वट वी आर डूंग के हम डेली एक से लगभग एक घंटे की क्लास होगी हमारी इसमें जो इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्योंकि जरूरी नहीं है जो न्यूज पेपर में आ जाए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होगा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे उसके इम्पोर्टेंट चीजों को हम कवर करेंगे ठीक है तो आज का सेशन हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं तो टूडेज फर्स्ट डिसंबर दो उम्मीद करता हूँ आपके पास अगर इंडियन एक्सप्रेस शायद आ गया हो अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं जितना हम इस क्लास में करेंगे दैट विल भी सफिशियंट फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर डे ठीक है कल के अखबार में जो आएगा तो कल भी हम पूरा होलिस्टिकली कवर कर लेंगे इस न्यूज पेपर को तो अब देखो आपको इंडियन एक्सप्रेस की रेलिवेंस बता दी और आपके सामने ना ये एक आर्टिकल है ठीक है ये एक्सप्लेन सेक्शन है यहां पे यू कैन सी दैट दिस इज द एक्सप्लेन सेक्शन क्वाइट पॉपुलर सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस बहुत से एस्पिरेंट्स जो किसी दूसरे न्यूजपेपर को या दूसरे सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स को भी अगर रेफर करते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन के आर्टिकल्स को डेफिनेटली वो गो थ्रू जरूर करते हैं ठीक है बिकॉज दिस हैज समथिंग विच इज मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसी करता है कि अगर प्रिलिम्स में मान लो प्रिलिम्स जिसको आयरन गेट कहते हैं वहां पे कोई क्वेश्चन आता है उसकी चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं भले ही आपने वो चार स्टेटमेंट्स आप वहां पे पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है और ऐसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक्सप्लेन के कुछ सेक्शन में एक्सप्लेन के आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलती है ठीक है तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं ये आपके सामने आप देख सकते हैं राइट हाउ टू रीड क्वार्टर टू जी डाटा ज एन आर्टिकल कॉल्ड मिक्सड सिग्नल्स किस तरह के मिक्स सिग्नल हैं और बेसिकली क्या है कि ये फर्स्ट टू आर्टिकल जो है ना ये आपस में रिलेटेड है तो हम इसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें भी आपका टाइम बच रहा है एंड दिस विल बी वेरी एफिशियंट वे ऑफ कवरिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज पेपर राइट हेलो मोटिवेटर ओके ठीक है ठीक है एवरी वन है तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बता रहा था अब फर्स्ट आर्टिकल देखो एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल है और आर्टिकल में यू कैन सी इलेबोरेटली सारी चीजों को उनको लगेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट और सारी चीजें कवर करनी शुरू कर देंगे ठीक है बहुत सुंदर ग्राफ्स हैंडिंग टू द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज पेपर बट आर दे रेलिवेंट आई थिंक दे आर नॉट रेलिवेंट एज ऑफ नाउ क्योंकि ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी आनी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल बेकार है आर्टिकल में कुछ बहुत एसेंशियल डाटा हमें मिल रहा है रेलिवेंट फॉर्डर पॉइंट्स मिल रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए और कुछ चीजें प्री में भी यूज हो सकती हैं लेकिन उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस ठीक है तो मैंने तो पढ़ लिया भाई ठीक है आप लोगों के लिए आई वर्कअप अर्ली टुडे एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल और इन बिट्वीन द लाइन्स पढ़ने के बाद क्या है कि इसमें ना काफी काम की चीजें इसमें पता लगती हैं ठीक है थीके? तो आपके साथ फर्स्ट आर्टिकल से ही स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं तो अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं इट विल बी बेटर अगर आप पेन और पेपर के साथ ही लेक्चर सुने राइट right? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज नोट करते रहें क्योंकि हमने आपके काम को आसान करने के लिए वी विल शेयर दिस एस पीडीएफ ये जो लेक्चर के जो जितने भी ये नोट्स हैं तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे बट कुछ पर्टिकुलर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना कुछ छोटी छोटी चीजें वो आप नोट कर सकते हैं उससे क्या होता है कि आपका अटेंटिवनेस ज्यादा रहेगी चीजें बेटर समझ में आएंगी और वो नोट्स जब आप अपने इन पी के थ्रू भी अपने नोट्स जब बनाएंगे तो उन्हीं पॉइंट्स जो आपने सुनते हुए लेक्चर को सुनते हुए लिखे हैं उनको आप इन नोट्स के पॉइंट्स को भी वहीं पर लिख सकते हैं ठीक है तो देखो बात यह है कि सबसे पहले देखो क्वार्टर टू जीडीपी अभी रिलीज हुआ था क्वार्टर टू का मतलब होता है कि बेसिकली जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो जीडीपी से रिलेटेड डाटा है उसको रिलीज किया गया है ठीक है 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 दिस इज क्वार्टर अब ये जो है, ये जो जो डाटा डाटा ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022 से लेके 2023 तक इसका इसमें इंक्लूड किया गया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में काफी चीजें बताती हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हम इसकी सीधी सीधी लिंकेज देख सकते हैं एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सबके साथ कि अब जब आपने ये न्यूज पेपर पढ़ना है ना या कोई भी चीज पढ़नी है ऑलवेज कीप सिलेबस हैंडी ये सिलेबस का जो पीडीएफ है आप अपने मोबाइल्स में सेव कर लीजिए डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए और अगर आपके पास पेपर फॉर्मेट में है तो जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे भी रखिए क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी विच मे और मे नॉट बी नोन टू यू कॉन्शियसली कि ये यूपीएससी से रिलेटेड है या नहीं लेकिन अगर सिलेबस की बाय हार्ट नॉलेज है तो यू कैन रिलेट एंड क्योंकि टीम स्टडी आई को तो है बाय हार्ट नॉलेज तो हमने लिंक कर दिया है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल रिलेट्स विद द टॉपिक ऑफ जीएस थ्री जहां पर है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इशूस रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम ग्रोथ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाली डायमेंशन को कवर करेंगे तो इस आर्टिकल में हमने निकालना क्या है हम कौन कौन सी डायमेंशन निकाल रहे हैं तो देखो आर्टिकल आपने अभी देखा न्यूजपेपर में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और उसको कवर करने में पढ़ने में टाइम लगेगा और रिकॉल करने में शायद और भी मुश्किल आए नोट्स बनाने में दिक्कत आए तो हमने क्या किया है कि इस बहुत बड़े आर्टिकल को वी हैव It off, अंग्रेजों की हमने स्ट्रेटेजी सीखनी है डिवाइड एंड रूल तो वट वी आर डूंगी है एक एक करके इन डायमेंशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ के हम अपनी तैयारी अपने करंट अफेयर को बहुत अच्छे से समझेंगे और ओवरऑल जो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है वो हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप मेन्स में यूज कीजिए एमसी की सोल्व करने के लिए कीजिए कहीं भी कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वार्टर टू जीडीपी डाटा में ना कुछ देखने को मिली है जीडीपी और जीवीए से रिलेटेड कुछ ऐसी यूपीएससी के, के, के लिए जीडीपी क्या होता है ठीक है जीवीए क्या होता है आपने अपनी आई होप एनसीआर पढ़ रखी होंगी क्योंकि अगर करंट अफेयर्स तक आप गए हैं यू हैव स्टार्टेड रीडिंग एडिटोरियल सो आई एम एज्यूमिंग आपकी एनसीआर टी कवर्ड है और एनसीआर के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके टिप्स पर हैं ठीक है अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो स्टडी आई भी एक एनसीआरटी बैच लॉन्च हो रहा है क्लासेस फिफ्थ दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं यू कैन ज्वाइन दैम एज वेल राइट तो आ, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी नाउ कमिंग बैक हेयर अब मुझे इसमें आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि जीडीपी और जीवीए ठीक है जीडीपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने सुन रखे होंगे जीडीपी जीएनपी पी एन पी एन पी एनडीपी ये आप इन कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं डू आर यू अवेयर कि ये क्या चीजें होती हैं क्योंकि ये बेस पता होना थोड़ा जरूरी है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हेलो अक्षल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है प्रेरणा इज सिंह यस उनको ये मालूम है ये कॉन्सेप्ट्स एंड आई नो के आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा ठीक है तो जी डी पी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वी विल सी दैट व्हाट दैट ऑब्जर्वेशन इज देन वी विल कंपेयर जी डी पी एंड जी ए ठीक है इस पर्टिकुलर डाटा में क्या होता है कि क्वार्टरली डाटा को जीवीए यूज करके बनाया जाता है और जीडीपी की जो एस्टिमेट्स हैं वो जीवीए से डिराइव होती हैं

अलग अलग सेक्टर्स में क्या हो रहा है हमारी क्या प्रॉब्लम है एक पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में क्या हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो पा रही है या नहीं उसके लिहाज से यहाँ पे बहुत अच्छा फॉर्डर आपको मिलेगा ये दोनों चीजें बेस बनाएंगी इस कंसर्न में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स में और जो चार मेजर की इकोनॉमिक इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं ठीक है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं We will this, बहुत ही ब्रीफ और सरल भाषा में सरल तरीके से हम देखेंगे और इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं तो वी विल अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन क्या की गई तो फ्रेंड दरअसल हुआ यह क्वार्टर टू की डेटा आई थी उसमें कहा गया कि जो जीडीपी ग्रोथ है ठीक है क्वार्टर टू इस साल का जुलाई टू सेप्टेंबर दो हजार बाईस में जो जी डी पी ग्रोथ देखी गई एज कम्पेयर टू जुलाई एंड जुलाई टू सेप्टेंबर ऑफ दो उसके मुकाबले 6.3% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है जबकि जीवीए जो है वो ग्रोथ उसकी देखने को मिली 5.6% तो यहां पे एक यूपीएससी का पोटेंशियल स्टेटमेंट बन सकती है और आपके मन में भी ये डाउट या एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या जीडीपी जीवीए हमेशा सेम होने चाहिए नाउ बोथ दीस टू कॉन्सेप्ट्स दे आर यूज्ड टू असेस द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री नाउ डू यू थिंक दैट जीडीपी एंड जीवीए विल ऑलवेज भी सेम इनकी वैल्यू सेम होगी और अगर इनकी वैल्यू सेम भी नहीं है एटलीस्ट इसमें जो ग्रोथ हम देख रहे हैं बिटवीन द सेम टाइम पीरियड वो तो सेम होनी चाहिए लेकिन यहां पर इस आर्टिकल को पढ़ के हमें रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है अब ऐसा क्यों नहीं है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ सी जीडीपी जो है जी डी पी है ये कॉन्सेप्टी को या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स कि एक्सपेंडिचर साइड को कैलकुलेट करता है कि पूरी में फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कंज्यूमर्स खर्च कर रहे हैं उसको लेने के लिए ठीक है उसकी वैल्यू को क्लब करके ये जी डी करता है राइट right? आप मान लीजिए आप हम पूरे देश की बात नहीं करते हम सिर्फ अपने हाउस होल्ड की चलो बात कर लेते हैं उसमें आप मान लीजिए कि पांच मेजर प्रोडक्ट्स हैं हम ब्रेड लेके आ रहे हैं शैम्पू लेके आ रहे हैं जैम लेके आ रहे हैं एंड लेट से टूथब्रश या टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या है कि जितने पैसे हम ब्रेड को एक तरह से ब्रेड लाने में खर्च रहे हैं प्लस शैम्पू लाने में खर्च रहे हैं प्लस जैम लाने में खर्च रहे हैं प्लस टूथब्रश टूथपेस्ट लाने में खर्च रहे हैं ठीक है दैट जितना हमने पैसा खर्चा दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ जीडीपी राइट दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ जीडीपी वट हैप इसके इस जो हम पैसा खर्चते हैं आपको पता है अगर शैम्पू की बॉटल सौ रुपए की मान लो आ रही है इसमें आप कुछ टैक्सेस भी पे कर रहे हैं और हो सकता है वैसे शैंपू पे तो सब्सिडी नहीं मिलती बट फॉर द आर्ग्यूमेंट सेम करते हैं कि इस पर किसी को सब्सिडी भी मिल रही है ठीक है तो होता क्या है कि अगर टैक्सेस ज्यादा कर दे गवर्नमेंट और सब्सिडीज कम कर दे तो बेसिकली जीडीपी में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि टैक्सेस अगर बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने कि मान लो कि हंड्रेड रुपीज की शैंपू की बोतल अब टैक्स की वजह से एक सौ बीस रुपए की हो रही है ठीक है तो ये चीज जीडीपी पकड़ लेगी और जीडीपी में ये चीज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ है ठीक है ये एग्जाम्पल समझाने के लिए समझा रहा हूं ऐसा होता नहीं है वैसे कि बीस परसेंट ग्रोथ है ऐसे टैक्सेस की वजह से दिख जाए बट टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस ठीक है तो इस वजह से कई लोग क्या कहते हैं कि जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अच्छा इंडिकेटर शायद ना हो इसी की वजह से कई लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि हम जीवीए ठीक है वी विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक ग्रोथ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवीए तो जीवीए में क्या होता है जीवीए में बेसिकली ये चीज जो है जो टैक्सेस और सब्सिडीज का इंपैक्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है तो उससे हमें एक्चुअल वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में कितनी हुई है उसके बारे में पता लगता है मान लीजिए कि शैंपू की बोटल कितनी है सौ रुपए की है राइट इसी एग्जांपल को देखते हैं शैंपू की बोटल सौ रुपए की थी अब एक जगह तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से वो एक सौ बीस की होगी आपके खर्चे बढ़े और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर की जीडीपी बढ़ गई लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ कि लेट से कि ये जो हंड्रेड की वैल्यू है इसमें ना कोई टैक्स है ना कोई सब्सिडी है और आपने क्या किया पहले आप एक शैंपू की बोटल यूज कर रहे थे नाउ यू आर बाइंग

ब्रॉडली आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं ठीक है ये डिफरेंस है आगे हम इक्वेशन भी एक देखेंगे उस इक्वेशन को आप अपने नोट्स में भी नोट कर लेना राइट right. तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर चीज से ये समझ लिए ये समझ लो कि जीडीपी और जीवीए जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल होंगी या उनमें बहुत ज्यादा मतलब कन्वर्ज करेंगे हमेशा ठीक है दे कैन बी अनईक्वल क्यों क्योंकि जीडीपी के अंदर टैक्सेस और सब्सिडी का भी कॉम्पोनेंट आ जाता है अब जीडीपी ग्रोथ के चार मेजर इंजन होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं कि जीडीपी बेसिकली बढ़ेगी घटेगी क्या करेगी सबसे पहले इसमें आता है प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये सारी चीजें एनसीआर में आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ रखी होंगी प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्पन जो होती है बेसिकली हम और आप जैसे लोग जो अपने नॉर्मल के खर्चे करते हैं अलग अलग कॉमोडिटीज खरीदते हैं शैम्पू टूथब्रश एक्सेट्रा तो ये प्राइवेट कंजम्पन उस कॉम्पोनेट का वो चीजें इस कॉम्पोनेट का पार्ट है सेकेंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन तो जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं अलग अलग रोड्स इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जितने गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो इस पर्टिकुलर चीज का पॉइंट आ जाता है देन आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में बेसिकली जो रेवेन्यू साइड है सैलरीज वगैरह होता है वो आता है इसके अंदर ब्रिजेस आ जाते हैं और बाकी सारी चीजें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाई जा रही है ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है जो कुछ एसेट को क्रिएट करने के लिए हो रहा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो एड हो जाती है एंड देन इज नेट एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी में हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उससे हम कुछ चीजें क्रिएट करते हैं देन वी एक्सपोर्ट ठीक है तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे हम पैसे दे रहे हैं ठीक है द मनी इज गोइंग आउट बट थिंग्स आर कमिंग इन और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं तो इन दोनों का जो नेट है उससे पता लगता है कि जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है नहीं ठीक है ये एनसीआर में गिवन है और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी अब जीवीए क्या है ठीक है जो नेशनल इनकम है जीवीए सप्लाई साइड से कैलकुलेट करता है उसको हमने यहां पर देखा कि जो जीडीपी है वो डिमांड साइड को कैप्चर करती है ठीक है डिमांड साइड को कैप्चर करती है अगर मेरी आज की डिमांड है कि मेरे को एक शैम्पू की बॉटल चाहिए पर मंथ और मैं अगर डिसाइड करूं कि नहीं मुझे शैम्पू करना ही नहीं है ठीक है यहाँ मैं वीक में सिर्फ तीन बार शैम्पू करूंगा ड्यू टू एनी रीजन मे बी आई वॉन्ट टू सेव माई मनी ठीक है रिसेशन की वजह से मैं पैसे बचाना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आ, हफ्ते में तीन ही बार शैम्पू करूंगा तो क्या हुआ मेरी डिमांड कम हो गई और मैंने शैम्पू की एक बॉटल कम लेनी शुरू कर दी ठीक है पाउचेस लेने शुरू कर दिए तो ये डिमांड के बेसिस पे जीडीपी जो है डिमांड के बेसिस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है ऑन दी अदर हैंड जीवीए जो है वो सप्लाई सप्लाई साइड को देखती है कि कितना supply, कितनी चीजें बन रही हैं प्रोड्यूस हो रही हैं ठीक है मैंने आपको बताया था शैम्पू की हमने एग्जाम्पल ली थी लेट अस टेक सम अदर एग्जाम्पल जिससे कि सप्लाई साइड वाली चीज आपको क्लियर हो जाए तो बेसिकली क्या इसमें कर सकते हैं कि लेट्स से कि आप यू आर सम काइंड ऑफ कुछ आर्टिस्ट हो आप ठीक है आप क्या करते हो आप कैंडल्स या वैक्स खरीदते हो ठीक है वैक्स वैक्स खरीदते हो अलग अलग तरह की इस वैक्स को अपनी अपने आर्ट को यूज करके यू मेक सम फाइन आर्टिस्टिक कैंडल्स एंड देन यू सेल देम ठीक है तो इसमें जो जीवीए है वो देखेगा वो बेसिकली करेगा कि इस वैक्स को आपने जब आर्टिस्टिक कैंडल बनाया तो इसमें वैल्यू क्या ऐड हुई ठीक है ये उस तरीके से आपका एक तरह से एनालाइज करता है तो बेसिकली जीवीए जो है वो सप्लाई साइड को करता है नेशनल इनकम को सप्लाई साइड की तरफ से देखता है और जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम को डिमांड साइड से देखता है ठीक है और जीवीए का जो यूज है ठीक है जीडीपी को हम यूज करते हैं अलग अलग कंट्रीज uh, को असेस करने के लिए कंपेयर करने के लिए कौन सा कंट्री ज्यादा परफॉर्म कर रहा है अच्छा या खराब परफॉर्म कर रहा है और हमारा अपना कंट्री कितना अच्छा है कितना खराब परफॉर्म कर रहा है जीवीए ऑन द अदर हैंड ये जो है ये हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है ये भी आप याद रखना है ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि जीवीए इज यूज सेक्टोरल एनालिसिस को करने के लिए और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है ये इक्वेशन आप नोट कर सकते हो वैसे तो पीडीएफ में मिल जाएगा ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर जीडीपी जीएवी का रिलेशन बताना है तो जीडीपी इज इक्वल टू जीए प्लस टैक्स अर्न बाय गवर्नमेंट एंड सब्सिडीज माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ठीक है तो इसमें इन कॉम्पोनेट्स के आने की वजह से कई बार ये ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करते कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन चल रही है वो कितनी चल रही है ठीक है जो कैंडल की एग्जाम्पल दी वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिसाइड कौन करेगा कि कितनी कैंडल्स लोग खरीद रहे हैं राइट right? तो ये डिमांड की अगर की, की, अगर कैंडल्स कैंडल्स की की आर्टिस्टिक डिमांड ज्यादा है तो उस लिहाज से जीडीपी ज्यादा होगी लेकिन अगर हम जीवीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे देखा जाएगा कि जो कैंडल्स बनी अगर वो बर्न ज्यादा रही हैं तो वो एज्यूम किया जाएगा कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है ठीक है तो जीवीए में सप्लाई साइड और जीडीपी में डिमांड साइड आई होप ये चीज क्लियर है आपको ठीक है जीडीपी में देखोगे कि कितने लोग कैंडल्स खरीदना चाहते हैं और जीवी में देखोगे कि जो बनाने वाला है उसने अगर पिछले साल सौ कैंडल्स बनाई थी आज तीन सौ बना रहे तो कितनी वैल्यू एडिशन हो गई तीन गुना ठीक है दिस इज द डिफरेंस सप्लाई एंड डिमांड राइट और इन दो कंपोनेंट्स की वजह से क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल होंगे राइट right. और क्वार्टरली क्वार्टरली डाटा एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया था कि जीवीए को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है और जीडीपी को जीवीए से डिड्यूस किया जाता है इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जब आप क्वार्टर डाटा एनालिसिस करें तो उसमें जीवी के यहां uh, तो से जो हमारा क्रक्स निकला वो ये निकल गया है और ये आपको एमसीक्यूज में पूछेगी ठीक है एमसीक्यूज में यूपीएससी कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इज दिस थिंग क्लियर ठीक है एक बार यू कैन टाइप ये ठीक है अगर ये चीज क्लियर है तो प्लीज टाइप यस फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंडिया के हिसाब से ये सारा जो डाटा है ये तो सिर्फ बेस था अभी हमने देखना कि इंडिया में ऐसी क्या क्या चीजें हैं और फिर उसको मेन्स के आंसर में हम कैसे लिख सकते हैं तो वो हमें पता लगेगा राइट तो अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए ठीक है एक बार यस टाइप कर दीजिए ये भी मैंने बात आपको भी बता दिया है कि, कि जीडीपी का फायदा तब है देखने का अगर आपने अलग अलग इकोनॉमीज को कंपेयर करना है इंडिया को यूएस से यूएस को यूके से इंडिया की आज की इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक पोटेंशियल को पिछले साल की इकोनॉमिक पोटेंशियल से तो जीडीपी डी पे जी डी पी वहाँ पर फायदा देगी और जी काम आएगी जब हमने सेक्टर को देखना है कि एग्रीकल्चर हाउ वेल एग्रीकल्चर इज परफॉर्मिंग एज कंपेयर टू मैनुफैक्चरिंग लेट्स तो अलग अलग सेक्टर्स को अगर देखना है तो ये चीज़ होगी एग्जाम्पल कि जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर शी मेक्स कैंडल्स ठीक है और लेट्स से कि मैं मैं क्या करता हूँ कोई इंटरेस्टिंग चीज सोचनी पड़ेगी लेट से कि चलो लेट hmm, सेल करता हूँ कर कर से उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाया और बस पैकिंग थोड़ी सी एडजस्ट करके सेल कर दिया तो अब क्या होगा कि अगर हम देखें किलेट से जो कैंडल है उसने पिछले साल 10 कैंडल सेल की थी अगले साल 15 कैंडल सेल की और ऑन दी अदर हैंड अगर इक्विवेलेंट माने दोनों प्राइसेस कैंडल uh, और पेन का मैंने पिछले साल टेन पेन सेल किए थे और इस साल मैं बारह पेन सेल कर पाया हूं ठीक है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं रहे पहली बात ठीक है नोट्स नहीं बना रहे और दूसरी बात यह है कि अगर हम दो मैं और मेरी सिस्टर हम दो अलग अलग सेक्टर्स हैं ठीक है तो माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग बेटर देन मी राइट सो दिस इज द थिंग ठीक है आई होप इससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ग्रेट 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 बढ़िया बढ़िया प्रेरणा को क्लियर है स्वामी को क्लियर है सभी को ही क्लियर है एक्सीलेंट एक्सीलेंट बहुत बढ़िया ठीक है भाई ये इंटरेक्टिव रखने हमने सेशंस मजा तभी आएगा ठीक है और फायदा भी तभी होगा ये इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर इससे आप यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ना खासकर मेंस की मेंस का मैं एक बात फ्रेंड्स क्लियरली बता दूं देखो प्रीलिम्स में दिक्कत आती है मुझे भी आई थी लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि उस दिक्कत की वजह से हमने ऐसा डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि मेन्स हमारा अगर हम लिख रहे हैं प्री क्लियर हो जाए तो हमारे नोट्स इन्हें तैयार थी ठीक है माइंड में वो रखना कि जब भी प्री क्लियर हो तो मेंस के लिए आपके प्रिसाइज नोट्स तैयार हो और मुझे इन चीज ने इस चीज ने इंडियन एक्सप्रेस ने फायदा दिया था ड्यूरिंग माय मेंस ठीक है वो प्रसिशन के साथ जो नोट्स बने होते हैं ना इट हेल्प्स यू टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम राइट तो कमिंग बैक अब कॉज ऑफ कंसर्न देखो ये इंपॉर्टेंट है अब ठीक है कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी जीवीए जो है वो डिक्लाइन की है बाय 4.3 ठीक है अगर ये ये डाटा याद नहीं होता इज नॉट एन इशू इकोनॉमिक सर्वे में वैसे भी चीज अपडेट हो जानी चाहिए लेकिन आप ये याद रखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीवीए है ठीक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वैल्यू एडिशन कम कर पा रहा है ठीक है और कोविड पैंडेमिक के बाद तो ये मतलब पिछले तीन सालों में सिर्फ सिक्स ग्रो किया है दिस इज मतलब बहुत ज्यादा खराब फिगर है आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं एक बात बता दूं जब अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ठीक है लगभग 2014 से लेकर 2017 के जो साल थे यहां पे इन तीन सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीवी ऐड हुई थी ना दैट वाज नियरली 31.3 परसेंट ठीक है और यहाँ पे भी हम कहते थे कि ये भी हमारे लिए काफी नहीं है इंडिया राइजिंग स्टार है इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी का हमने फाइव ट्रिलियन का हम टारगेट रखते हैं ठीक है जॉब्स हम क्रिएट करना चाहते हैं और यहां पे थर्टी वन पॉइंट थ्री परसेंट था तीन सालों का ये टू थाउजेंड फोर्टीन से लेकर के बाद से तीन सालों में पिछले तीन सालों में सिर्फ सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट वन फिफ्थ सिर्फ बढ़ी है दिस इज अग कॉज ऑफ कंसर्न वाई आप सब बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग की अगर एडिशन कम है व्हाई इज इट बिग कॉज ऑफ कंसर्न अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही ई शुड बी इट द बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एस ठीक है बताओ क्या हो सकता है यस जॉब्स एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ठीक है मैनुफैक्चरिंग की अगर डिक्लाइन होती है तो जॉब्स विल ऑल्सो डिक्लाइन क्योंकि जॉब्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ही प्रोड्यूस कर सकता है राइट right? चाइना में मैन्युफेक्चरिंग बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पर जॉब्स ही ज्यादा है राइट right? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं हमारा एक इग्नोर सेक्टर चला गया इंटी वन के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उसमें सर्विस सेक्टर को ज्यादा हमने फोकस कर दिया राइट जॉब्स तो उसमें भी बहुत आई थी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी पोटेंशियल है कि जो आज हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है जहां पे डिसगाज्ड अन है उस डिस अनएम्प्लॉयमेंट को हम मैन्युफैक्चरिंग के दम पे दूर कर सकते हैं ठीक है तो आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं उनको मैं आई विल विशाल पांडे आई विल एड्रेस योर डाउट डोंट वरी ठीक है अब देखो इसमें आ, हमने ये कॉज ऑफ कंसर्न है ये बता दिया इसमें कोविड को दोष दिया जा रहा था ये भी बता रहे हैं लेकिन कोविड क्या कह रहा है कोविड कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल जो, जो है ना हमारे इंडिया का चल रहा है वो दो हजार के बाद से काफी देर से चल रहा था ठीक है तो दिस इज नॉट समथिंग दिस इज समथिंग नॉट न्यू ये पहले से प्रॉब्लम आ रही थी दो के बाद से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे इकोनॉमी में उसकी वजह से हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे द सिचुएशन वॉज वर्सनड बाई कोविड कोविड पैंडेमिक क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो था वो मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हुई रिसेशन आया डिमांड भी कम हुई और ये सारी दिक्कतों की वजह से अल्टीमेटली इस सेकेंड क्वार्टर में हमने डिक्लाइन देखा है और पिछले तीन सालों में बहुत मीनिस्क्यूल ठीक है वेरी स्मॉल ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग अगर आपसे पूछा जाए ना कि पैंडेमिक के बाद हम कैसा कर रहे हैं अगर ऐसा किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए है हाउ वेल इंडियन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग और हाउ वेल इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग आफ्टर पैंडेमिक तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फैक्ट सिंस कोविड सिंस पोस्ट इन पोस्ट पैंडेमिक पीरियड द मैनुफेक्चरिंग हैज ओनली ग्रोन बाय 6.3 पॉइंट थ्री परसेंट वाइल इन ईयर्स ऑफ टू थाउजेंडोटीन टू सेवन द सेम ग्रोथ वॉज नियरली थर्टी परसेंट ठीक है एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद होती नॉट एन इश्यू अब आगे बात करते हैं ठीक है मैनुफैक्चरिंग जॉब्स ये मैंने बता दिया कि जॉब्स की इशू आती है अगर मैनुफैक्चरिंग में डिक्लाइन आए और यहाँ पे भी एक आपको फैक्ट बता दूं कि दो हजार सोलह से बीस के बीच में ना जो मैनुफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स हैं वो हाफ हो गई हैं ठीक फिफ्टी परसेंट डिक्लाइन आ गया इनमें अनदर बिग कॉज ऑफ कंसर्न कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है ठीक है ये भी हमने डाटा पढ़ा था पिछले कई आ, कुछ महीनों में ये न्यूज भी आई थी कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बुरी हालत में हो गई थी कि इट वॉज वर्स्ट इन फोर्टी वन ईयर्स इकतालीस सालों में सबसे बुरा हाल हो गया था एम्प्लॉयमेंट का राइट तो यहां पे ये भी प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग के बदल के मुकाबले में जो सर्विस सेक्टर है दैट इज परफॉर्मिंग अ लिटिल बेटर इसने 15 परसेंट की ग्रोथ देखी इन द सेकंड क्वार्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ठीक है लेकिन अगर हम प्री पैंड लेवल से कंपेयर करें ठीक है यानी कि जो 2019 का साल है ठीक है आप जानते हैं 2020 में तो लॉकडाउन लग गया था तो 2019 में जो थे अगर वहां से हम कंपेयर करें तो इट हैज ग्रोन ओनली बाय टू परसेंट तो आप सोच सकते हो कि एक साल में तो चलो ये पंद्रह तो पिछले साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 के मुकाबले सिर्फ दो परसेंट सिर्फ दो परसेंट ग्रो किया यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है सर्विस सेक्टर में भी ये भी रिलेटिवली कमजोर है अभी इसको भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं ये बता दूं कि 2017 से जो 20 के साल थे इसमें सर्विस सेक्टर ग्रू बाय 26 परसेंट अभी तीन साल देखो 19 से लेकर 22 तक 2 परसेंट और 17 से लेकर 20 तक 26 परसेंट ठीक है तो अगेन आपको यह बता दूं कि इसमें डाटा देखो फ्रेंड्स नहीं याद होता ना टेंशन नहीं लेनी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग के बद, आ, मुकाबले ग्रोथ रजिस्टर की लेकिन ये ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है कि हम प्री पैंडेमिक लेवल से भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है बस इतना पता होना चाहिए मेन क्रक्स पता होना चाहिए डाटा एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद होते कोई बात नहीं अब आपको एक यहां से ही ना ये मौका लेते हुए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं बेस इफेक्ट का आप में से कितने बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि वॉट बेस इफेक्ट इज बेस इफेक्ट क्या होता है किस किस को पता है बेस इफेक्ट क्या होता है किस किस को पता है आप लोग यार वो शॉर्ट्स देखते होंगे ठीक है इंस्टाग्राम पे ना एक बड़े फेमस हैं दो ब्रदर्स विष्णु कौशल एंड गोविंद कौशल ठीक है शीनू चाचू मो, ये मोहक मेहुल ये आपने शायद देखे हो तो उसमें देर इज अ नर्ड गाय ठीक है चश्मे वाला बच्चा है वो बहुत मेहनती है उसके एट्टी आए थे और वो फूट फूट के रो रहा था कि यार मैं तो बर्बाद हो गया और मेहुल जो है उसका फ्रेंड उसके 51 परसेंट आए थे एंड ही वाज़ टेलिंग टू हिज मदर के मम्मा आपको नंबर ला के दे दिए ना अब दो तीन महीने बात ना करना मेरे से पढ़ाई की अब देखो फ्रेंड्स यही चीज है, है।, है मेहुल के ठीके? मेहुल के परसेंट आए हैं ये इसने कुछ जुगाड़ लगा के ट्यूशने पढ़ के कुछ करके अपने मार्क्स नेक्स्ट टर्म में इसने कितने कर लिए कर और जो दूसरा इसका फ्रेंड था विच इज इस इंटेलिजेंट इसने ये कर सिर्फ तो लगभग फोर्टीन मार्क्स इंक्रीज किए ठीक है अब अगर हम इनके परसेंटेज इंक्रीज को देखेंगे तो हाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज कितने बड़े चौदह नंबर बेस में आया फिफ्टी वन इन टू हंड्रेड ठीक है तो ये जो नेट फिगर आएगी आप कैलकुलेट कर लेना ये नेट फिगर आएगी इट विल बी मोर as compared to यहां पे बेस आ गया 89 तीन में से 89 इन 100 तो 3/89 बड़ा होगा कि 14/51 बड़ा होगा ये बड़ा होगा और ये क्यों बड़ा है क्योंकि पिछला बेस स्मॉल था ठीक है एक मिडियोकर बच्चे को या बिलो एवरेज बच्चे को एवरेज बनने में आसानी होगी एज आस कंपेयर टू टॉपर को अपनी पोजीशन मेंटेन करने में तो इकॉनॉमी का भी बेस इफेक्ट कुछ इसी तरह से है अब पैंडेमिक के दौरान क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी डाउन चली गई थी इसलिए इतना बुरा हाल था पिछले साल कि अभी जो ये दो परसेंट की भी थोड़ी सी दिख रही है ना पोस्ट प्री पैंडमिक लेवल्स के हिसाब से वो पिछले साल इतना बुरा हाल था कि उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है जबकि ऐसा है नहीं ये पर्सपेक्टिव देखने के लिए आप इसको समझ सकते हो ठीक है आई होप ये चीज आपको क्लियर है बेस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है क्योंकि इस पर ना रिपीटेडली दो साल क्वेश्चन आए थे कंजेकेटिवली तो बेस इफेक्ट यू शुड नो कि क्या करता है और होता क्या है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बाद फ्रेंड्स माइनिंग और क्वाररिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जो जीवीए में तो कंट्रीब्यूशन जिसकी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जॉब्स बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर लेता है ये कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काफी अच्छा सेक्टर माना गया है लाइक इट इज वेरी क्रुशल सेक्टर फॉर जॉब क्रिएशन ठीक है बट अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय थ्री परसेंट नहीं याद होती फिगर कोई बात नहीं ठीक है क्वार्टर टू की डाटा यूपीएससी कभी एग्जैक्ट क्वार्टर की डाटा नहीं पूछती वो इकोनॉमिक सर्वे में जो ब्रॉड ओवरव्यू आता है उसी का पूछती है लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि दो में एज कंपेयर टू टू माइनिंग एंड क्वारिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन आई है और इसका असर भी जॉब्स के ऊपर पड़ेगा आप देख सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो माइनिंग क्वेरिंग है ये जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं लेकिन इनमें डिक्लाइन होने की वजह से अल्टीमेटली हमारी जो जॉब मार्केट है इंडिया की वो भी वीक हो रही है तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे दैट जॉब मार्केट इज वीक इन इंडिया लेट्स से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए और उसमें रीजन पूछे आप रीजन बता सकते हैं ये इन रीजन के साथ आप अगर ये डाटा मान लो याद रह जाता है या नहीं भी याद रहता आप सिर्फ इतना लिख दें कि जो डेटा uh, आया था बाय मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का जो था उसके हिसाब से इन दो सेक्टर्स ने डिक्लाइन किया एंड दैट डिक्लाइन हैज ट्रांसपायर्ड द डिक्लाइन इन जॉब्स एज वेल आपका बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेन्स के आंसर में ठीक है सो दिस इज इट माइनिंग एंड क्वायरिंग में भी हमने डिक्लाइन देखा इसके बाद अब देखते हैं कि कुछ जो uh,

मान लीजिए कि घर की इनकम कम हो जाती है हम अपने खर्चे बचाने की कोशिश करेंगे तो अगर हम खर्चा करना ही नहीं चाहते डू यू थिंक के प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होंगी आज रिलायंस के मान लो लेट से रिलायंस के सिम कार्ड चलो उनकी एग्जांपल लेते हैं रिलायंस के सिम कार्ड्स मान लो थाउजेंड सिम कार्ड्स वो सेल कर रही है लेकिन लेने वाले जो हैं वो लेना नहीं चाहते तो आपको लगता है कि रिलायंस अपना एक नया प्लांट खोलेगा सिम कार्ड बनाने के लिए या कोई और कंपनी इस तरह का कुछ काम करेगी डू यू थिंक ऐसा होगा श्रीराम ओके वी विल टॉक टू यू थोड़ी देर में ठीक है हां ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर प्राइवेट कंजम्शन डिक्लाइन पे है वाई वुड प... कंपनी इन्वेस्ट इन मेकिंग द प्रोडक्ट्स जिसको कोई लेना नहीं चाहता अगर ऐसा उन्होंने किया तो और ज्यादा स्पाइरलिंग इफेक्ट होगा रिसेशन का ठीक है तो इससे बचने के लिए प्राइवेट सेक्टर नहीं करता तो अब हुआ क्या है कि जो प्राइवेट कंजम्पन है ये बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है दिस शुड बी नोन टू तो यू ये भी एमसीक्यू में आएगा प्राइवेट कंजन और इन्वेस्टमेंट एक तो एक्सपेंडिचर की ग्रोथ थी ओवर पास्टर ठीक है लेकिन प्री पैंडमिक लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो ओनली इलेवन परसेंट यानी कि दो हजार उन्नीस के मुकाबले अगर हम देखें तो सिर्फ ग्यारह परसेंट की ग्रोथ है उन्नीस से बाईस के बीच में सिर्फ ग्यारह परसेंट की ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्शन पर्सपेक्टिव देने के लिए अगेन चौदह से लेकर दो हजार चौदह से लेकर दो हजार 28% था यानी कि यानी कि नंबर वन पहले तो ये है क्या two, ये होता है जीडीपी में three, इसकी हुई है. Four, ये बहुत खास नहीं हुई और नंबर फाइव प्री पैंडमिक लेवल्स के अगर उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो ये कुछ बिल्कुल भी खास नहीं हुई राइट right? तो ये अगेन आप आई होप ये चीज भी आपको क्लियर है अब जब ये ही इसी का बुरा हाल है इसी की वजह से प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं तो वो भी नहीं कर रही तो जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, है, तो से है प्राइवेट कंपनीज वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे उससे भी जीडीपी ग्रोथ जो है अल्टीमेटली इंपैक्ट हो रही है ठीक है हमने फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है लेकिन उसका सपना जो है कोविड और बाकी कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है राइट right? तो प्राइवेट ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये लगभग दस परसेंट से ग्रो किया था और दिस इज इस लाइक इसको अगर हम कंपेयर करें ना ये इंडिकेट करता है कि आगे ठीक हो सकती हैं चीजें क्योंकि ये जो दस परसेंट की ग्रोथ है ना ये ग्रोथ इस पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छी है राइट यहां पर हमने देखा इसमें प्रॉब्लम है इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ सकती थी लेकिन क्योंकि इनको क्या है कि एक चीज दिख रही है कि पैंडेमिक जा चुका है लोग अब खर्चे करने शुरू हो गए हैं दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग उनको पता है कि एकदम से जब जो वी शेप रिकवरी आनी है ना वो जो वी का जो नीचे का सबसे बॉटम पॉइंट है वो पास हो चुका है दैट इज वाई दे आर इन्वेस्टिंग और दैट इज वाई जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है एंड इस वजह से मीडियम टर्म में इंडियन इकोनॉमी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स जो इन्वेस्टमेंट करेंगी कंपनी उसकी वजह से बेटर दिख रहे हैं ठीक है और जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें भी एक फाइनलिटी देखने को मिली थी कि ये बेसिकली आप ये याद रखना कि 10 से 11 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और जब बाकी सारी चीजें फेल हो जाती हैं बाकी कुछ काम नहीं कर रहा तो क्या होता है कि ये पर्टिकुलर चीज ठीक है मोदी जी अपना पैसा निकालेंगे ठीक है देश का जो पैसा टैक्सेस के फॉर्म में आता है आ, हमारी सरकार के पास हु इज द ट्रस्टी ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी वो खोल देंगे ठीक है तिजोरियां खोल देंगे और उससे क्या होगा कि आ, जो रिसेशन है वो दूर हो सकती है आपने देखा भी कि हमारे पैंडेमिक के टाइम पे आत्मनिर्भर भारत के कितने पैकेजेस आए थे आत्मनिर्भर भारत के काफी सारे पैकेजेस आए थे राइट तो ये भी यहां पे एक पेलक्यूलियरिटी ये देखने को मिली है कि इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 4.4 परसेंट ठीक है इसका भी यही रीजन है कि जब पैंडमिक चल रही थी तब गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा कि हमें अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए ताकि रिसेशन में ना हम चले जाएं लेकिन अब जब जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तो चीजें देखने को मिल रही है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की ऑलरेडी ज्यादा है और दूसरा अगर गवर्नमेंट अभी भी अपने एक्सपेंडिचर करती रहेगी तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी तो इन दो चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को कम किया है पहला कारण कि उनको लग रहा है कि अब उतनी जरूरत नहीं है लोगों को वो रिकवर कर रहे हैं और दूसरा कारण महंगाई को भी टैकल करने के लिए वो अपना पैसा कम छोड़ रहे हैं ठीक है ये चीजें आप गवर्नमेंट बजटिंग में भी पढ़ते हैं राइट और अगर हम इसको प्री पैंडमिक लेवल्स के साथ कंपेयर करें तो दिस इज ट्वेंटी बिफोर प्री कोविड लेवल्स तो मतलब काफी ज्यादा कम किए हैं खर्चे ठीक है बहुत कम खर्चे करने शुरू कर दिए हैं ठीक है तो ये आपदा में अवसर जो है ना ये बेसिकली इसलिए लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मोदी जी ये इसलिए लिखा है कि जब सारी चीजें फेल हो जाती है ना ये बनता है अवसर कि अगर कोई आपदा आ जाती है तो गवर्नमेंट का पैसा जो है ना वो अवसर प्रोवाइड करता है जो कि आत्मनिर्भर पैकेजेस में हमने देखा भी ठीक है अब नेट एक्सपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स का फ्रेंड्स जनरली स्टेटस ये कि इंडिया जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है क्योंकि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे रिलेटिवली कम है तो जनरली जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव में ही रहते हैं लेकिन अभी के क्वार्टर टू डाटा में देखने को मिला कि ये नेगेटिव वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ठीक है लेकिन दिस इज नॉट समथिंग टू अलग ठीक है बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन हाँ कॉज ऑफ कंसर्न ये भी है इसको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटेटिव बना सकें हो क्या रहे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अगला आर्टिकल जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट में शेयर करूंगा आपके साथ ठीक है कि एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ क्या रही है राइट right. चलो यही बता देता हूँ ऐसे कंफ्यूजन हो गया आपको नहीं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कंपनीज है ना इंडिया की लेट से दिस इज अ कंपनी ये क्या है कि इनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है और इनपुट कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ये जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेज हैं इनको बढ़ा नहीं रहे अगर इन्होंने बढ़ा दिया तो उनकी क्या होगी स कम हो जाएगी कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब कि अगर चाइना कोई चीज बीस रुपए की बेच रहा है हम पच्चीस तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा तो अगर हमने चाइना के साथ कंपीट करना है एक तो हमारी क्वालिटी अच्छी हो जो कि है और दूसरा जो प्राइस है वो बीस के आसपास हो तो मान लो अगर हमारा इक्कीस रुपए भी प्राइस होगा किसी चीज का और क्वालिटी अच्छी है तो उस क्वालिटी के लिए बीस की जगह इक्कीस खर्चने में कोई भी इंसान संकोच नहीं करेगा लेकिन बीस की जगह चालीस है अगर तब संकोच होगा इसका मतलब क्या हमारी कॉम्पिटेटिव इंपैक्ट हो गई और यही कारण है कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा उतने अच्छे हो नहीं पा रहे और अगर बढ़ाते हैं तो कॉम्पिटेटिवनेस इंपैक्ट हो रही है इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं ठीक है ये एक कनेक्शन बन रहा है पूरा इनपुट कॉस्ट का कॉम्पिटेटिवनेस का और एक्सपोर्ट्स का आई होप ये चीज भी आपको क्लियर है ठीक है तो अच्छी बातें भी हैं इस डाटा में इस पर्टिकुलर एनालिसिस में जो जीडीपी का क्वार्टर टू आया है उसमें अच्छी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने एक्सपेक्टेशन से उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इसमें ग्रोथ हुई फोर परसेंट की इवन दो जो बिजाई होती है ठीक है जो क्रॉप्स की सोइंग सीजन होता है सोइंग टाइम होता है वो थोड़ा लेट हुआ था जिससे आशंका थी कि शायद उतना अच्छा हार्वेस्ट ना आए बट फिर भी वी सेव्ड आर सेल्स ठीक है एंड ओवरऑल जीवीए की ग्रोथ की अगर हम देखें तो क्वार्टर टू में इट ग्रूब बाय 5.6 परसेंट बेस्ड ऑन ईयर ऑन ईयर एंड 7.6 परसेंट बेस्ड ऑन प्री कोविड लेवल्स ठीक है तो ये ईयर ऑन ईयर तो ये बता रहा है कि हम रिकवर कर रहे हैं बट दिस रिकवरी इज स्लो इट नीड्स टू बी एक्सेलरेटेड uh, क्योंकि अगर प्री कोविड लेवल्स यानी कि 2019 के मुकाबले हम देखें तो सिर्फ 7.6 परसेंट की ग्रोथ है दिस इज क्वाइट लेस अगर तीन साल का टाइम पीरियड देखें उसमें आप देख सकते थे कि 28 30 इस तरह की परसेंटेज की इंक्रीज और ग्रोथ देखने को मिलती है तो 7.6 परसेंट लेस देन 10 परसेंट तो बहुत खराब है तो हम ऑल दो रिकवर कर रहे हैं ठीक है लेकिन जो एक साल में चीज होनी चाहिए वो तीन साल में हो रही है तो रिकवरी हमारी थोड़ी सी स्लो है ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज ये इशू जो है जल्दी दूर हो जाएगा इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में इट से ये भी यही कह रहे हैं कि जो क्वार्टर टू का डाटा है इसमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो आपस में ना कहीं ना कहीं रेजोनेंस में नहीं है राइट तो उसमें क्या है कि इसका लिंक तो आपको पता है सेम इशू के साथ होगा इसमें डायमेंशन जो हम कवर करेंगे सबसे पहले प्रिलम्स रिलेटेड फैक्ट कुछ देख लेंगे बेस इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसको रिपीट नहीं करेंगे राइट इसमें मिक्स्ड सिग्नल्स हैं क्या ठीक है वो समझेंगे और आगे इकोनॉमी का फ्यूचर क्या होल्ड करता है उस चीज को समझेंगे तो जो ये डाटा है ये याद रख लो यार ये एमसीक्यू बनता है इस पे भी डाटा इज रिलीज बाय नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस ठीक है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये बताओ इन विच विच मिनिस्ट्री नेशनल सर्टिस्टिक ऑफिस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा मोस्पी आई टोल्ड अर्लियर नहीं नहीं विशालदास फाइनेंस में नहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आप इधर से याद रख लो आता है ना नाम में तो मॉस्पी के अंडर आता है ठीक है तो इट इज रिलीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो ग्रोथ एस्टिमेट हुई की हुई RBI ने भी लगभग इतने परसेंट की ही ग्रोथ एस्टिमेट की थी तो रेजोनेंस में है दोनों का डाटा लेकिन जो नंबर्स हैं ठीक है ये मॉडरेट हैं दे आर नॉट एज क्यूड एज क्वार्टर वन जहां पे बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ कुछ ज्यादा ही दिख रही थी ठीक है बेस इफेक्ट मैंने बता दिया है के मेहुल और उसके फ्रेंड की एक्जाम्पल लेके आई हैव टोल्ड यू कि क्योंकि 2020 में कुछ ज्यादा ही बुरा हाल था 21 के फर्स्ट uh, क्वार्टर में बहुत ज्यादा बुरा हाल था इसलिए 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें लग रहा था कि चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी हैं लेकिन अब चीजें क्योंकि मॉडरेट हो रही हैं तो इसलिए क्वार्टर टू में जो है वो मॉडरेशन आ गई है ठीक है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेस इफेक्ट एज अ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं राइट और प्री पेंडेमिक लेवल्स के uh, के हिसाब से जो अंडरलाइन ग्रोथ है ये मोमेंटम पकड़ रही है इट हैज इंप्रूव इन क्वार्टर टू तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी रिकवरी कैसी है तो इसमें भी आप ये चीज लिख सकते हैं अब देखो इसमें मिक्स सिग्नल्स इस प्रकार हैं कि जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज है ना इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर की हमने अभी भी देखा था पिछले आर्टिकल के बेसिस पे लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद देखने को क्या मिला कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुई है ठीक है इट वॉज लोअर देन लास्ट ईयर तो दिस इज मिक्सड सिग्नल कि ग्रोथ हुई है सेक्टर में लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो डिक्लाइन हुई राइट right. और इसका कारण माना जाता है कि जो बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी मॉनसून के आ, एंड के टाइम पे ठीक है बारिशों का ऐसा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इज बैड सो दैट अ थिंग बारिशें अगर बहुत ज्यादा हो तब भी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा कम हो तब भी प्रॉब्लम है ठीक है तो दिस इज अ पेक्यूलिटी ये हमें देखने को मिली है ठीक है दिस इज अस सिग्नल देन के नॉन फार्म सेक्टर में डाइवर्जेंस एक देखने को मिली है ठीक है ये भी पेक्युलरिटी है आपसे मेन्स का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें आप ये फॉर्डर एज फॉर्डर अपने आंसर्स को थोड़ा एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हैं नॉन फार्म सेक्टर में बेसिकली क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वीक हुई है जो हमने देखा था लेकिन सर्विस सर्विस सेक्टर जो है इट इज डूइंग गुड माइनिंग एंड क्वेरिंग ये भी डिक्लाइन हुआ है एज वी हैव ऑलरेडी सीन ठीक है इसका रीजन ये है कि जो मार्जिन है वो प्रेशर में आए हैं मैंने अभी आपको समझाया था कि कंपनीज के साथ क्या हो रहा है कि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो घट रहे हैं उन प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है राइट right. तो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं ये कि ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिक्लाइन इज द बेस्ट रीजन बिहाइंड दैट ठीक है यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन और वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर आंसर कोई मेन्स का क्वेश्चन आए कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है या आपने कुछ चैलेंजेस बताने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के इन द पास्ट ईयर के प्री पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में हम रिकवर कर रहे हैं लेकिन चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस क्या हैं दिस इज द चैलेंज ठीक है तो ये चीज हो रही है ये भी पिक्युलरिटी एक है देन ग्रोथ सर्विस सेक्टर में जो है ठीक है सर्विस सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर जहां पे ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट ये सारी चीजें चीजें हैं क्या कि लॉकडाउन के बाद खुल रही तो दे हैव द प्री पेंडेमिक लेवल्स ठीक है यहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं होटल्स ट्रांसपोर्ट ये सारे सेक्टर्स इसमें क्या हो रहा है कि लोगों ने ना भड़ास निकाली अपनी कि लॉकडाउन के टाइम पे घूम फिर नहीं पाए एकदम से बहुत ज्यादा घूमे तो इन सेक्टर्स में प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स एक्सेट्रा इनमें भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है ठीक है तो ये अलग अलग सेक्टर्स की जो है हमें बेसिकली पता लग रहा है राइट right? और डिमांड का ऐसा है कि ये भी बत, ये भी भी हम कवर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट कंजम्पशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम हो रहे हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट की भी कंजम्पशन कम हो रही है और प्राइवेट कंजम्पशन जो है ये मतलब रिकवर कर रही है इट इज नॉट एज हेल्दी ठीक है ये आर्टिकल्स कई बार क्या होते हैं आपस में कुछ कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं एडिटर्स के आ, मूड पर भी डिपेंड करते हैं इट इज डूइंग रिकवरी ठीक है हेल्दी दिख रहा है कि हम ठीक ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं लेकिन स्टिल देर इज अ लॉन्ग रोड टू कवर ठीक है और एक्सपोर्ट्स का हाल ये है कि नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अभी भी हमारे कहीं ना कहीं ग्रोथ को ड्रैक कर रहे हैं ड्रैक डाउन कर रहे हैं बोझ बने हुए हैं हमारे ऊपर राइट सो दिस इज अबाउट डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल uh, से जो हमें पता कर रहा है, इसने ना एक है कि आगे क्या होगा फ्यूचर हो तो है ना वो ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स पे इंपैक्ट उससे इंपैक्ट होगा ठीक है ग्लोबल फैक्टर्स में क्या ये वॉर यूएस के जो फेडरल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट कैसे एडजस्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक फैक्टर में भी इन्फ्लेशन ठीक है और इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए आरबीआई किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट करेगा उस पर भी डिपेंड करेगा ठीक है तो देखा जा रहा है कि वॉर की वजह से आप सब जानते हैं कि यूएस यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस थोड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है उस वजह से ग्लोबल इकॉनॉमी में एक स्लो डाउन है अब जब ग्लोबल इकॉनॉमी में स्लो डाउन है यह भी एक कारण है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन है कोई पूरी दुनिया अगर पैसे कम खर्चना चाहती है हम अपना सामान बेचना चाहते हैं तो वो सामान बिकेगा नहीं तो ये प्रॉब्लम भी आ रही है और जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं टू टैकल इन्फ्लेशन ठीक है इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है उसको करने के लिए को बढ़ाया जा और ये इंटरेस्ट जो बढ़ रहे हैं व्हाट है इज कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना मार्केट में डिस्पोजेबल इनकम ये कम हो जाती है अब मेरे इन हैंड अगर पैसे कम है तो ऑब्वियसली मैं खर्च भी कम कर पाऊंगा एंड दैट इज अ रीजन एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड जो है दैट इज लाइकली टू बी इंपैक्टेड टाइटनिंग ऑफ डोमेस्टिक जो हमारे इंडिया की भी आ, हालत है उसमें भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आरबीआई उसको भी कंट्रोल करने के लिए सेम चीज करेगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा तो इसलिए ये जो डोमेस्टिक मॉनिटरी कंडीशन है इवन दैट विल इंपेक्ट आर फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ठीक है तो ये हमने जो क्वार्टर टू का जी एनालिसिस था ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप में से बहुत से बच्चे लगातार ये सोच रहे थे कि इसको कैसे कवर करें इसमें से क्या निकालें क्या नहीं निकालें तो अब ऐसा है कि हमने ये बातें कर ली अब आपके पास ये पीडीएफ आ जाएंगे दैट्स इट इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और सिर्फ काम का डाटा जो है बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड्स में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना ठीक है तो थैंक यू सो मच विशाल यू आर फाइंडिंग दिस इनिशिएटिव हेल्पफुल राइट Uh, शरीश शाम्स ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री बताया नो शरीश द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ठीक है आई होप दैट इज क्लियर नाउ राइट ठीक है चलो बढ़िया सबको समझ में आ रहा है दैट इज द थिंग कि ये चीज थीज़ होनी चाहिए अब एक और आर्टिकल है इसको अब हम अब जो आर्टिकल्स है ना इनको हम क्विकली कवर करेंगे ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की इसको ये एंडेंजर्ड बर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है और ये कुछ इश्यूज के साथ सामना कर रहा है तो एक्सटेंशन की तरफ भी जा सकता है तो राजस्थान और गुजरात में ये पाया जाता है और वहां प्रोटेक्शन तो के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी उस पीआईएल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ये माननीय जजेस जो हैं जिनका बेंच के सामने पीआईएल फाइल हुई उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की लाइंस पे क्या इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है बी यू एस टी ए आर डी बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है कि जिससे इसकी कंजर्वेशन हो सके ये एक्सटिंग ना हो ठीक है तो इस पर्टिकुलर न्यूज से हमने उस चर्चा में नहीं जाना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क वितर्क दिए गए अलग अलग लॉयर्स के द्वारा लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड रिपीटेडली सेवरल आर बोथ इन एज एज वेल रिपीटलीवल कंसर्निंग दिस पर्टिकुलर स्फेयर एनवायरमेंट ठीक है तो हम फटाफट से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड जो प्रियम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके उनको पढ़ लेते हैं सबसे पहले बता दिया कि राजस्थान गुजरात में ये पाया जाता है आई ने इसको critically endangered घोषित कर दिया है इसी वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ किया जाए जिससे ये कंजर्व हो सके राइट right. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसकी पहले काफी ज्यादा इसका हैबिटेट बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी फैला हुआ था लेकिन आज की डेट में ये पाया गया है कि ये सिर्फ इंडियन सब के 10% एरिया में रह गया पहले इट वाज प्रेजेंट ऑल ओवर द इंडियन सब इन फरेंट पॉपुलेशन ठीक है कहीं पे ज्यादा कहीं पर कम लेकिन पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था अब यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सिर्फ दस परसेंट एरिया में सिमट कर रह गया है इट इज अमंगस्ट बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच ठीक है ऑस्ट्रिच भी एक बहुत हैवी बर्ड है दिस इज ऑल्सो हैवी बर्ड लेकिन इट हैज इट कैन फ्लाई ठीक है पीकॉक इज ऑल्सो हेवी बर्ड ठीक है यह उड़ सकता है इट कैन फ्लाई राइट इट हैज अ पावर ऑफ फ्लाइट और ये ग्रासलैंड हैबिटेट यहां पर पाया जाएगा दिस इज इंपॉर्टेंट इट कैन फ्लाई दिस इज इम्पॉर्टेंट आई यू सीन स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं और जो मेजर स्टेट इंडिया की हैं ठीक है और बहुत प्रसिशन के साथ आपको हुए एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना आपका होमवर्क या अभी बताओ फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होते हैं एनवायरमेंट का क्वेश्चन है फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होते हैं ऋतुराज फॉर नाउ दिस पी डी एस विल बी प्रोवाइडेड एट स्टडी आई क्यूज टेलीग्राम चैनल ठीक है एंड इन केस अनदर चैनल इज टू बी क्रिएटेड आई विल लेट यू नो इन द सबसिक्वेंट सीरीज लेक्चर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स जो कल हम अब डेली हमने मिलना है ठीक है तो स्टडी आई क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे तो डेफिनेटली आपको ये पीडीएफ आज ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद इन अराउंड हाफ टू वन आवर हाफ एन आवर में ये प्रोवाइड हो जाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन ठीक है वी विल जस्ट टेक 20-25 मिनट और अभी कवर करते हैं उसके फिर आधे घंटे बाद तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे फ्लैगशिप सीरीज बताओ यार कोई तो लिखो चलो यार ये ना होमवर्क है आपका दिस इज योर होमवर्क और कल मैंने पहला सवाल यही पूछना है और जिसने आंसर दिया हो सकता है उसको रेवड़ी मिले टेक अवे मिले कोई ठीक है ये आप पढ़ के आएंगे और कल मेरे को मेरे को पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस कि वॉट आर फ्लैगशिप तो बेसिकली ग्रासलैंड्स का ये फ्लैगशिप स्पीशियस पॉपुलेशन को कुछ होता है ना तो इसका मतलब ग्रास जो है ना उनकी हेल्थ एज एन इको वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही है ठीक है आधा आंसर तो मैंने बता दिया अब देखो जो पी फाइल हुई ना उसमें एक मुद्दा था उसमें मुद्दा ये था कि दिस पर्टिकुलर बर्ड ठीक है इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं एक तो इसका फ्रंटल विजन काफी कमजोर है दूसरा ये भारी है हैवी है तो It can, uh, it faces अपनी फ्लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता सो so अल्टीमेटली क्या है इट गेट्स इंटैंगल्ड और इतने ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं कि ड्यू टू दिस इशू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह ढूंढा है कि अठारह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हर दिन इस प्रॉब्लम की वजह से मरते जा रहे हैं ठीक है तो एक ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक स्पीशीज जो है उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही सो दिस इज द इशू और ये चीजें फ्रेंड्स याद रखना ये अगेन में आ सकती है इसको क्या पट मेजर थ्रेट क्या है ये भी प्रिल्स में पूछा जा सकता है ठीक है और हो सकता है मेंस में आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की तरह अगर प्रोजेक्ट जीआईबी को इंट्रोड्यूस करना है वो क्यों करना है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है वहां पर भी ये चीजें आपके डेफिनेटली काम आ सकती हैं ठीक है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कहा है कि जितनी भी ओवर एडर ट्रांसमिशन हैं क्रिटिकल एरियाज में जहां पे जीआईबी के बहुत बड़े हैबिटेट्स हैं वहां पे ये अंडरग्राउंड की जाए ठीक है ये सोल्यूशन है और दूसरा इन्होंने कहा है कि बर्ड डाइवर्टर्स होते हैं बर्ड डाइवर्टर्स बेसिकली ना रिफ्लेक्टर्स की तरह होते हैं ठीक है लाइक आप मान लो कि दिस इज अ मिरर तो जब बर्ड इस डायरेक्शन में आते हैं ना ड्यू टू अपनी ही रिफ्लेक्शन को देख के दूर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ठीक है तो बर्ड डाइवर्टर्स प्रायोरिटी एरियाज में लगाए जाएं और गुजरात राजस्थान के चीफ सेक्रेटरीज को यह हिदायत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है तो ये छोटा सा इशू था लेकिन स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इससे आपको पता लग गया कि न्यूज में चल रहा है किस वजह से चल रहा है उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पता लग गए अब क्वेश्चन जब भी आएगा ना प्री में यू विल बी एबल टू सॉल्व इट अगला देखते हैं हां ये भी एक न्यूज है ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के लिए बट स्टिल आपको पता होना चाहिए तो फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि देखो पैंडेमिक में सब लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानी झेली और एवरी वन वॉन्टेड एक वैक्सीन ठीक है कोई एक ब्रह्मास्त्र ठीक है एक वैक्सीन एक, एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे कि इसका बस एक शॉट ले लिया ना और हर तरह की डिजीज से आपको इम्यूनिटी मिल जाए तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ किसी ने काम किया इस पर ठीक है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव और वो कुछ हद तक सफल भी हो पाए हैं ठीक है तो ये पर्टिकुलर न्यूज जो है इसके कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत ही माइनर पॉइंट्स हम देखेंगे और ये जीएसट्री में जो आपका ये टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड एंडलीकेशन इन एवरीडे लाइफ इससे कहीं कही ना कहीं रिलेट करते हैं इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स ये अंकल है ठीक है इन अंकल का नाम है स्कॉट हैंसली ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और इन अंकल ने आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज की है मानव जाति के लिए बहुत अच्छी चीज की है और अगर ये सक्सेसफुल हो गए ना तो आप देखना अगले साल इस साल के नोबेल प्राइज हाँ इस साल तो हो गया अगले साल इनको नोबेल प्राइज मिल सकता है ये पहले बता रहा हूं तो अभी आपको पता होगा ना स्कॉट हैंजली का नाम तो इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू ठीक है स्कॉट हेंजली यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इनका क्या है सीन कि इन्होंने ना एक सिंगल वैक्सीन जो हर तरह के वायरस के साथ डील कर सके उसको बनाने में अपना योगदान दिया और उनके एनिमल टेस्ट कंडक्ट करवाए एक सिंगल शॉट से सारी फैमिली ऑफ़ वायरस किल हो रही है ठीक है अब अलग अलग तरह की वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राइट तो इन्होंने एनिमल्स के ऊपर ये टेस्ट किया ये टेस्ट टेस्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं बहुत जल्दी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भी जाएगी और ये वैक्सीन जो है ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि ये जो एनुअल शॉट्स आपको मिलते हैं एनुअल फ्लू शॉट्स ठीक है छोटे बच्चों को हर साल कोई ना कोई टीकाकरण उनका होता रहता है ठीक है वैक्सीनेशन होती रहती है उसको रिप्लेस नहीं करेगी लेकिन इट विल बी यूज एज अ बूस्टर शॉट टू शील्ड यू अगेंस्ट सीवियर डिजीजे एंड जो हमने बहुत बुरी चीज देखी कोरोना काल में डेथ्स ड्यू टू पैंडमिक ठीक है इस चीज से बचा सकती है राइट right. और फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उनकी तरह ये भी जो है एम के ऊपर रिलाई करती है ठीक है यू शुड नो कि एम क्या है ये दो साल से चल रहा है भाई ये दो दो साल से न्यूज में आ रहा है ठीक है ये भी होमवर्क है आपका अगर नहीं पता ना इसके भी ट्वेंटी फाइव वर्ड्स ट्वेंटी फाइव वर्ड्स में यू शुड बी एबल टू राइट वॉट इज एम आर एन ठीक है एम वैक्सीन की खास बात क्या है और आई थिंक इस पे आई थिंक क्वेश्चन भी आया था 2022 में आई थिंक आया था क्वेश्चन इस पे भी ठीक है और 21 में भी आया था तो ये पता होना चाहिए आपको अब ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इसमें जो थिंग्स टू नो है ना इंपॉर्टेंट थिंग्स वो आप ये समझ लो कि इंफ्लुएंजा है ना ठीक है कॉमन कोल्ड और ये सारी चीजें जो वायरस है बेसिकली इसके 20 20 सब सब ग्रुप ग्रुप हैं इस 20 सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप में हजारों तरह के वायरस हैं तो बहुत सारी म्यूटेशन हो सकती हैं इसलिए हर वायरस की वैक्सीन बनाना आज तक बहुत डिफिकल्ट माना जाता था लेकिन इन्होंने अपने रिसर्च के दम पे जो स्टडीज की टेस्ट किए एक्सपेरिमेंट्स किए उससे क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसी वैक्सीन निकाली जो ये सारे के सारे बीस सब टाइप्स को टैकल कर सकती है खत्म कर सकती है इससे पहले क्या था कि जो भी वैक्सीन थी वो सिर्फ चार को टैकल कर सकती थी आउट ऑफ ट्वेंटी यानी कि बहुत इफेक्टिव नहीं थी फॉर पैंडेमिक लाइक -like तो क्योंकि बीस को टैकल कर सकती है सो तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगी हमारी इम्यूनिटी के लिए मानव जाति की इम्यूनिटी के लिए और ये कहा जा रहा है, कि क्योंकि देखो, तो है, करते रहते है तो ये एक कंसर्न जताया कि अगर कोई नया तरह का स्ट्रेन आ गया क्या ये उसको भी टैकल कर लेगी तो इन्होंने उसका भी टेस्ट किया और वहां पर पाया गया कि अगर कोई न्यू स्ट्रेन आ जाता है भले ही वो पूरी तरह आपको प्रोटेक्ट ना कर पाए लेकिन जो सिवियरिटी ऑफ द इनेस है उसको जरूर कम कर देगी ठीक है दिस इज एट दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैक्सीन यूनिवर्सल वैक्सीन के नाम से यूनिवर्सल फ्लू स्कॉटली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया ठीक है Hansley, uh, आप uh, ठीक है टेलीग्राम का फ्रेंड स्टडी आई क्यू गाइल लेट यू नो ठीक है ये कॉमेंट सेक्शन में हम लिंक भी पिन कर देंगे आफ्टर वाइल्ड तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर गिव अस हाफ एन आवर उसके बाद हम कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम का पिन कर देंगे नहीं तो स्टडी आई क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे तो डेफिनेटली मिलेगा आपको ये पीडीएफ ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब ठीक है अब आ, यहां पे हम वाइंड अप करेंगे इस दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे ठीक है अब देखो ये आर्टिकल ना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इसके पीछे सेंटी होने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ना मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे और ये आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में हम अपनी सीरीज में कवर करेंगे ये हर तरह की तैयारी में आपके काम आ सकते हैं राइट तो गैसलिट वर्ल्ड ठीक है गैस लाइटिंग ना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था किसके द्वारा मीरियाम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा अब इसकी सिग्निफिकेंस को हमने समझना है सबसे पहले तो इंग्लिश के कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश एक कॉम्पोनेंट बनता है तो जब किसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया डोंट यू थिंक कि उसके पूछे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है ऑफकोर्स तो उस वजह से हमने ये देखना है कि इसमें है क्या तो इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित किया और ये जो घोषणा होती है बेसिकली कि आप लोग हम सब लोग कौन सा वर्ड कितना ज्यादा सर्च करते हैं उसके बेसिस पे वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड किया जाता है तो गैसलेट वर्ड गैस लाइटिंग वर्ड को बहुत ज्यादा सर्च किया गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस वर्ड टर्न टू बी द वर्ड ऑफ द ईयर नाउ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि बहुत ही वो जो सटल तरीके होते हैं ना बड़ी चलाकी वाले तरीके जहां पे हम लोगों को दूसरे लोगों को मैनुपलेट करते हैं फॉर आर ओन तो जो लोग होते हैं ना मैनुपुलेटर्स माइंड मैनुपुलेटर्स वो इस चीज को यूज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप सपोज कीजिए कि लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ हैं ठीक है हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक Let's say, is not a loyal partner. ठीक है? चीट कर चीट कर रहा है ठीक है इट कैन गो इधर वेस्ट लाइक तो जो पार्टनर चीट कर रहा है उसका जो दूसरा पार्टनर है अगर वो उसको कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करे और बदले में अपनी गलती मानने के बजाय वो ये बोले कि You feel this way, क्योंकि आप इनसेर हो आप जेलस हो कि मैं किसी के साथ थोड़ा सा हंस के बात कर लेता हूं या हंस के बात कर लेती हूं तो बिकॉज ऑफ योर जेलसू थे चीट कर रहे थे लेकिन गिल्ट अगले सामने वाले के मन में डाल दिया कि भाई आप हो ऐसे ठीक है ये चीज कई बार हमारे पेरेंट्स के, पेरेंट्स के साथ भी होती है कि पे, पेरेंट्स के साथ मतलब हम हमारे और पेरेंट्स के बीच ठीक है ऐसा कुछ गलत ना समझ लेना होता ही है कि जैसे हम पढ़ते रहते हैं यार पूरा दिन ठीक है मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो गया पूरा दिन पढ़ता हूं बट द मोमेंट मम्मा पापा मेरे रूम में आएंगे ना तब मेरा मोबाइल खुला होगा ठीक है <laughs> तो उसमें क्या है कि वो फिर ये चीज करनी पड़ती वहां पे भी गैस लाइटिंग थोड़ी सी हो जाती है कि उनको लगता है कि मैं पढ़ नहीं रहा सारा दिन मोबाइल खेलता जा रहा हूं ठीक है और मैं अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि नहीं नहीं जब आप आए ना बस तभी मोबाइल खोला हालांकि मैं पढ़ता था लेकिन जो इंसान नहीं पढ़ रहा सारा दिन मोबाइल खेल रहा है उसके मम्मी पापा आते हैं रूम में वो कहते हैं क्या कर रहे हैं हर है टाइम मोबाइल वो कह रहा है कि हर टाइम नहीं बस पांच मिनट खेला है आप अभी आए हो तो ये क्या है मैनिपुलेशन है किस चीज के लिए अगले को थोड़ा सा धोखा देने के लिए फॉर देर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट हमें ना कोई ठीक है सो दिस इज वॉट गैस लाइटिंग इज और ये देखने को मिला कि दो ना पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मानव जाति ना झूठ की तरफ काफी झुक गई वॉर एक रीजन हो सकता है कंट्रीज एक दूसरे के स्टेटमेंट्स को मैनुपुलेट करके कर रहे हैं तो दिस गैस लाइटिंग वॉज टू मच प्रोमिनेंट

और वहां पे इलेक्शन से पहले उसने जो जहां की ठीक है पूरे जहां की निकाली गालियां इनकम्बेंट गवर्नमेंट को कि आपने ये नहीं किया कर्जे में स्टेट ये वो फलाना डमकाना ठीक है ये सब किया राइट और जो इनकम्बेंट पार्टी थी उस टाइम पे उसको अपना डिफेंड करना नहीं आता तो वो तो चुप रही और इलेक्शन हार गई जब इलेक्शन जीत गए सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंटिन्यू कर रही हैं उस स्टेट के अंदर और अब अगर कोई उनको बोलता है कि भाई कर्जे में स्टेट है आपने क्या किया तो कहते हैं ये तो पीछे से था ये तो पहले से ही हो रहा है हम क्या करें हमसे तो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा तो ये क्या ये भी गैस लाइटिंग है कि देर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग या यू आर नॉट मेकिंग एडिक्वेट एफर्ट्स कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट उस स्टेट में थी काफी तो अनएम्प्लॉयमेंट को कहा कि क्या हमने निकाली नौकरियां अब दस करोड़ दस करोड़ तो बहुत ज्यादा है लेट से वन करोड़ लोगों को इंप्लॉयमेंट चाहिए और जॉब्स निकल रही हैं तीन लाख चार लाख पांच लाख उससे बात नहीं बनेगी और सिर्फ सरकारी जॉब से बात नहीं बनेगी समथिंग मोर हैज टू बी डन ठीक है

एक आर्टिकल और है दिस वन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये आर्टिकल ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल आई वुड वांट यू कि ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है तो आप इसको एक बार पढ़ लेना ठीक है आप इसको एक बार स्टडी कर लेना ब्रीफ मैं एक बहुत क्विकली एक जिस्ट बता देता हूँ इसका कि बेसिकली क्या है कि इंडिया ने जी ट्वेंटी की प्रेजिडेंसी एक है तो सबसे पहले आपका ये होमवर्क है यार ये कर लेना प्लीज मैंने पूछना है कल और मैं ना टेलीग्राम ग्रुप बन गया ना तो स्क्रीन मांगूंगा फिर कि क्या बनाया भी है कि नहीं जी ट्वेंटी के ना एक होता है अबाउट अबाउट का मतलब जो इसके जो सबसे की फैक्ट्स है ना वो आपके नोट्स में होने चाहिए की फैक्ट्स का मतलब कि इसमें कितने कंट्रीज हैं हाउ मैनी ये कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कितने ट्रेड को कितना वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है ये बड़ी पॉपुलर लाइंस है जी ट्वेंटी से रिलेटेड जब भी जी ट्वेंटी के बारे में कुछ बोलना होता है ना ये लाइनें हमेशा बोलते हैं और अगर आप अपने आंसर्स में लिखोगे ना जी ट्वेंटी परलिवेंस इन द वर्ल्ड एंड इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का लीड कर रहा है इंडिया ठीक है तो आपके आंसर में चार चांद लगेंगे राइट तो ये चीजें लिखनी है उसके बाद आप लिख सकते हो कि इसका जो इसका जो प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंसी जो इसकी है कितने साल के लिए होती है how many years ठीक है एंड हाउ इट इज इलेक्टेड प्रेजिडेंसी प्रेजिडेंट बनते हैं जी ट्वेंटी के प्रेजिडेंट बनते कैसे हैं यह आपका होमवर्क है जी ट्वेंटी के बारे में यार इतना तो पता होना चाहिए ठीक है कितने कंट्रीज हैं कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है प्रेजिडेंसी कितने साल के लिए होती है कैसे मिलती है राइट और अगर इसके कुछ मेजर कंट्रीज आपको पता हो ठीक है ट्वेंटी ग्रुप ऑफ नेशन है तो मेजर कंट्रीज आपको अगर पता हो तो इवन दैट विल बी गुड तो इस आर्टिकल का जस्ट बेसिकली ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज वेरी थैंकफुल कि इंडिया को जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी मिली एंड इंडिया इज रेडी टू टेक इट्स लीडरशिप और पीएम ने कहा है कि हमने पिछले एक दो सालों में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं पूरी दुनिया ने कलेक्टिवली ठीक है एज अ ग्लोबल वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज हम सबने बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंडेमिक इन द फॉर्म ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर एंड दैट वॉर इज नॉट जस्ट इन टू द टेरिटरीज ऑफ दीज पर्टिकुलर नेशन इसका इंपैक्ट पूरे दुनिया को मिल रहा है तो काफी चैलेंजिंग ईयर रहा है और जी की कुछ पोटेंशियल्स हैं और साथ में इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वैल्यूज माने वसुदेव कुटुंबकम वी एज इंडियन वी बिलीव इन द वेलबिंग ऑफ एवरी वन राइट सो दैट इज वॉट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हम सब एक परिवार हैं हमारी ये एक धरती है और हमारा फ्यूचर भी एक दूसरे के साथ जुड़ रखा है तो राधर देन इन्वेस्टिंग इन टेररिज्म वॉर ठीक है एक दूसरे पे ताने मारना दोष देना ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड मतलब वो करनी पड़ती है क्या करें डिफेंस के लिए अगर टेररिज्म ही नहीं होगा तो वो भी नहीं करनी पड़ेगी तो इन सारे बेकार के मुद्दों की बजाय जो एक्चुअल रियल मुद्दे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज ठीक है टेरर फाइनेंसिंग इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए तो इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इस बहुत प्यारी स्पीच में बताया है इसकी कुछ लाइन ठीक है कुछ लाइन आपके काम आ सकती है राइट ठीक है जैसे इसमें एक जगह पे जैसे वासुदेव कुटुम्बकम यू कैन नोट वेलबिंग ऑफ एवरी ठीक है एंड ये एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी थी हाउसिंग वन सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड विद इट्स इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस रिलीजन कस्टम्स एंड बिलीव्स इंडिया इज अ अस्मोस ऑफ द वर्ल्ड कि आठ बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में यहां पे इंडिया में लगभग डेढ़ सौ करोड़ लोग हैं ठीक है तो ये ऑफ द ह्यूमैनिटी बनता है और इस ऑफ द ह्यूमैनिटी में में भी इतनी डाइवर्सिटी है कि ये अपने आप में एक ग्लोबल किस्मोस की छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है सो आई रियली लाइक दिस लाइन ठीक है और इसी तरह छोटी छोटी कुछ लाइंस हैं तो इसमें ना बहुत सेंटी होने की जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जी ट्वेंटी में इंडिया आगे कैसे लीड कर सकता है और क्या करेगा तो उसके बारे में आपको बता दिया है सो दिस इज अ रियली गुड आर्टिकल आई वुड सजेस्ट कि आप इसको खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ठीक है so, सो जाने से पहले एक क्वेश्चन इसका तो आंसर अब दे देना यार हमने जो अपनी ज्यादातर एनर्जी है ना आज एक्सप्लेन सेक्शन में ना एक्सप्लेन भी बड़े चलाक हो गए हैं स्मार्ट हो गए एक्चुअली चलाक नहीं एक्सप्लेन ने ना अब बताना शुरू कर दिया कि मेरा जो एक्सप्लेन का आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है ठीक है तो आपने ये देखा होगा ये आपने देखा है कि ये एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड था तो टुडे इन टुडेज लेक्चर हमने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी काफी एनर्जी दी है एंड आई थिंक के आपके बहुत सारे डाउट्स और आपकी काफी चीजों को मैं क्लियर कर पाया हूँ ठीक है जो क्वार्टर टू जी डी डाटा से रिलेटेड चीजें थी वो अब आपको बेटर पता है अगर आपने इनफैक्ट अगर जनरल कॉन्वर्जेशन भी करनी है किसी के साथ चाचा मामा ताया इनके साथ ऐसे बैसे बैठ के कोई बात कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आप बोल सकते हो कि मैनुफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है ना इस वजह से है

कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेटिक प्रोडक्ट विल ऑलवेज भी इक्वल टू द नेशनल इनकम कैलकुलेट फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड ये करेक्ट है कि नहीं होगी ठीक है ये बताइए विल इट बी ट्रू और फॉल्स सेकेंड स्टेटमेंट है द जी डी पी असिस नेशनल इनकम बेस्ड ऑन ट्रेंड ऑफ डिमांड साइड ठीक है ये बताना है आपने करेक्ट है कि नहीं और तीसरी स्टेटमेंट कह रही है दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीजेस क्वार्टरली डाटा ऑन इंडियाज जी डी पी ठीक है तो ये भी आपको बताना है ठीक है तो ये इसमें से ये तो काफी लोगों ने बीच में ही इसके बारे में काफी कुछ बता दिया था तो ये चीज आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होनी चाहिए तो इसी तरह का कोई ना क्वेश्चन आप प्रिम्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इज द आयरन गेट सो ये देखो खुद से अखबार पढ़ते तो शायद टाइम ज्यादा लगता है एनर्जी ज्यादा लगती है और उतने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ना होते अच्छे से ना पता लगता रेलिवेंट या इनरेलीवेंट चीजें कौन सी हैं वो ना पता लगती लेकिन आई होप इस सीरीज के थ्रू आपको ये चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आई हैं और ये सारी चीजें समझने के बाद जब आप एक क्वेश्चन ट्राई करोगे ना और वो क्वेश्चन कर पाए तो आपको क्लोजर मिलता है कि हाँ ये टॉपिक जो था इसमें से मैंने रेलिवेंट चीजें समझी रेलिवेंट चीजों की रेलिवेंट फैक्ट्स समझे और उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो दैट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्लोजर टू योर एनर्जी टू योर टाइम इन्वेस्टेड ठीक है तो ऐसे ही हम डेली प्रोसीड करेंगे आज के न्यूजपेपर में ये मेजर आर्टिकल्स थे विच वर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड अदरवाइज ऑल्सो तो आने वाले टाइम में देखते हैं हो सकता है कि इस दिन बहुत ज्यादा आर्टिकल्स ऐसे आ जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो तो वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग हम कुछ चीज़ों को क्लब भी करेंगे ठीक है आज भी हमने करने की कोशिश की बहुत सारी जो सेकंड आर्टिकल के टॉपिक्स थे वो फर्स्ट आर्टिकल में ही क्लब हो गए थे तो सेकेंड आर्टिकल को बेसिकली हमने बस रिवाइज किया ठीक है फर्स्ट आर्टिकल गॉट रिवाइज ऑन द बेसिस थ्रू सेकेंड आर्टिकल ठीक है तो इस तरीके की अप्रोच हम फॉलो करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डोंट यू वरी uh, टेलीग्राम चैनल का आई विल टेल यू वेरी सुन और कल अगर बनता है मान लो कल के लेक्चर में ना अगर आपको चाहिए तो मतलब पिछले सारे लेक्चर्स के भी पीडीएफ्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे ठीक है तो दैट्स इट फ्रॉम माय गाइस फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आया अगर लेक्चर ये ठीक लग रहा है तो डू लेट मी नो ठीक है अगर ये लेक्चर में आपको लगे कि समथिंग इज बेनिफिशियल और यू वॉन्ट कि किसी और अप्रोच को हम फॉलो करें इन लेक्चर्स में इंडियन एक्सप्रेस को कवर करने में किसी और अप्रोच को फॉलो करें कि आपको ये पीपीटीज़ नहीं पसंद यू वॉन्ट के पीडीएस में खोल के सर आप समझाओ हमें कि हमें आर्टिकल सही समझाओ ये पीपीटी हमारे काम की नहीं हमें लग रही तो यू कैन टेल मी दैट एज वेल ठीक है लेकिन अगर यहां से आपको ये ये मेथड हेल्पफुल लग रहा है तो यू कैन जस्ट टाइप यस ठीक है यस लिख दो बस मैं समझ जाऊंगा ठीक है तो लगभग एक घंटा हो भी गया हमें राइट right? ओके hmm. okay, आपके कुछ डाउट्स देख लेते हैं तब तक टेलीग्राम का तो मिल जाएगा डोंट यू वरी अबाउट दैट ठीक है थैंक यू यू शारिश फाउंड इट हेल्पफुल बिल्कुल रेगुलरली अपडेट होगी रिसेशन और डिप्रेशन के बीच का ना डिफरेंस आई विल टेल यू दिस इन सम अदर लेक्चर ठीक है ये यू आर राइट दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग एमसीक्यू पोटेंशियल एमसी क्यू बनता है ये हम अच्छे से कवर करेंगे ठीक है ये आई एम वेरी श्योर कि एक्सप्लेन का या इकोनॉमिक बेस्ड आर्टिकल्स आते रहते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि डिप्रेशन और रिसेशन में फर्क क्या होता है ठीक है जनरली मजाक के तौर पे कहते हैं कि रिसेशन इज जब पड़ोसी की नौकरी जाती है और डिप्रेशन इज के जब खुद की नौकरी चली जाए ठीक है तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेशन एंड डिप्रेशन इन कैजुअल वे बट इसको हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे आगे भी ठीक है किसी का कोई डाउट हाँ, PDF बिल्कुल मिलेगा ऋतुराज डोंट वरी पीडीएफ पक्का टेंशन ही नहीं इसकी कोई ये बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लगा होप लेक्चर किसी को थैंक यू शारिश ये हैवी तो नहीं लगा ना आई होप चीजें समझ गया आज वैसे टॉपिक्स डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट इकोनॉमी कवर करना इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट आई होप के जिस तरीके से हमने कवर किया है वो आपको समझ आ गया